हेलो चिल्ड्रन, आप सोचेंगे आज मैम ने मुट्ठी बंद करके हेलो क्यों कर रही है? क्योंकि मेरी इन बंद मिठियों में आपके लिए कुछ है। क्या देखें? कुछ नहीं, इसमें कुछ था। आइए इस सीक्रेट को जानने के लिए कंटिन्यू करते हैं हमारा लेसन नंबर 15, हमारे चारों ओर वायु यानी कि एयर अराउंड अस। और मेरी इन बंद मुट्ठियों में थी वायु। इसको और समझने के लिए आइए करते हैं एक एक्टिविटी। बच्चों, यहां मैंने एक खाली बॉटल ली है, आप देख सकते हैं इसके अंदर कुछ भी नहीं है। हम इसमें पानी भरने की कोशिश करते हैं। हम बॉटल को धीरे से पानी के अंदर लेकर गए, अब बाहर निकालते हैं। क्या इसमें पानी भरा? नहीं। तो इसमें पानी ना भरने का क्या कारण है? या तो इसके अंदर कुछ है जो हमें नहीं दिख रहा, जिसका कोई रंग नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कुछ तो है जिसने पानी को अंदर नहीं जाने दिया, और वो इनविजिबल चीज यानी कि जो हमें नहीं दिख रही, जिसका कोई कलर नहीं है, वो इसके अंदर कुछ जगह भी घेरे हुए है, उसी को हम वायु कहते हैं। अब हम इसको तिरछा करते हैं। यहां पर आपको पानी के बुलबुले दिखाई दिए ना, और आवाज भी आई। ये पानी के बुलबुले उसी वायु के थे जो इस बॉटल से बाहर आए थे। जब वायु बाहर आई तो इस पानी को जगह मिली बॉटल के अंदर जाने की, और देखिए हमारी बॉटल जो है वो पूरी तरह से पानी से भर उठी। और देखिए ऊपर एक आपको यहाँ पर एक बबल दिखाई दे रहा होगा। ये भी आपका एक एयर बबल था, क्योंकि बॉटल के अंदर अभी भी कुछ स्पेस ऊपर ऐसा है जिसके अंदर वायु है। तो इस एक्टिविटी से हमने बच्चों कई सारी प्रॉपर्टीज देखी एयर की। सबसे पहले एयर जो है इट ऑक्यूपाई स्पेस, यानी कि जब वायु जो है वो स्थान घेरती है। दूसरा, ये इनविजिबल है, हमें दिखाई नहीं देती। तीसरा, यह है पारदर्शी होती है। और चौथा, इसका कोई भी रंग नहीं होता। और साथ ही वायु चारों ओर है। तो बच्चों, इस एक्टिविटी के थ्रू हमने ये जाना कि वायु हर जगह उपस्थित होती है। और कुछ और भी विशेषताएं, तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहले हमने ये देखा कि वायु सिर्फ एक जगह ठहरी हुई नहीं होती, वायु हर जगह चारों ओर उपस्थित होती है। वायु स्थान घेरती है। मेरी इस बंद मुट्ठी में भी उसने एक जगह घेरी हुई थी, और बॉटल में तो आपने देखा ही कि खाली बॉटल के अंदर भी वायु थी, यानी कि उसने बॉटल के अंदर जगह घेरी हुई थी। यही कारण था कि जब बॉटल को हम उल्टा कर रहे थे तो पानी उसके अंदर नहीं जा रहा था, क्योंकि बॉटल के अंदर वो जगह घेरी हुई थी वायु ने। और हमने देखा कि वायु पारदर्शी होती है, यही रीजन है कि हमें हवा के आर पार अच्छे से दिखाई देता है। क्या वायु का कोई रंग होता है? नहीं। अगर वायु का कोई रंग होता तो हमें आर पार देखने में थोड़ी सी परेशानी होती, और हमें चीजों का, वस्तुओं का एक्चुअल कलर नहीं पता लग पाता। वायु जो होता है उसका कोई रंग नहीं होता। तो बच्चे, ये थी हमारी वायु के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, जिसमें सबसे पहले हमने ये जाना कि वायु हर जगह उपस्थित होती है, यानी एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर। सेकंड, वायु स्थान घेरती है, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। थर्ड, वायु पारदर्शी होती है, एयर इज ट्रांसपेरेंट इन नेचर। फोर्थ, वायु रंगहीन है, एयर इज कलरलेस। अब हम ये तो कंक्लूड कर चुकी हैं कि वायु हर जगह है और हमारी चारों ओर है। तो इसका मतलब हमारी पूरी पृथ्वी पर, हमारी पूरी अर्थ पर एक लेयर है एयर की, यही मतलब हुआ ना। और हमारी पृथ्वी के चारों ओर जो लेयर है एयर की वो क्या कहलाती है, आइए देखते हैं। बच्चों, ये है हमारी पृथ्वी, और अभी अभी हमने कंक्लूड किया था कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर भी वायु की परत है, क्योंकि सबसे पहली प्रॉपर्टी यही थी वायु की, वायु हर जगह उपस्थित होती है। तो पृथ्वी के चारों ओर वायु की एक पतली परत होती है, और इस पतली परत को हम वायुमंडल कहते हैं। तो अब हम वायुमंडल को डिफाइन कर सकते हैं। वायु की वह परत जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है, वायुमंडल कहलाती है। तो वायु की वह परत जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है, वायुमंडल कहलाती है।
और जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से सरफेस से ऊपर की ओर जाते हैं तो यह वायु की परत कम डेंस होती जाती है, कम घनी होती चली जाती है। और अगर डेंसिटी कम होगी ऊपर जाते हुए तो जो एयर के कुछ कंपोनेंट्स हैं, जो वायु के कुछ घटक हैं, उनकी डेंसिटी भी कम होगी। अब यही रीजन है कि पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर को कैरी करना पसंद करते हैं, लेकर जाते हैं। अगर पर्वतारोही यानी कि माउंटेनियर्स अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर पहाड़ों पर चढ़ने के लिए लेकर जाते हैं तो उसका क्या रीजन होता है? इसका एक्सटेंडेड रीजन आपने मुझे बताना है, क्योंकि अब है आपकी बारी। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? मैंने आपको कहा कि जो माउंटेनियर्स हैं वो ऊंचे पर्वतों पर चढ़ते हुए अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर को कैरी करते हैं, वो ऐसा क्यों करते हैं? आज के लिए इतना ही। जल्दी से आंसर मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आई एम वेटिंग। थैंक यू। एनटीपीसी फरीदाबाद एंड चीफ मिनिस्टर्स गुड गवर्नेंस एसोसिएट्स प्रोग्राम विद स्टार टीचर्स ऑफ फरीदाबाद।